आइए दोस्तों, आज जिक्र करते हैं हम कुरान करीम की कुछ आयतों पर जो कुरान शरीफ में आते हैं और उनका तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं जो सूरह बकर से है। शुरू करते हैं। कुरान शरीफ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, जब यहूद व नसारा ने कहा कि हमारा और मुसलमानों का किबला एक है तो हम अजाब के मुस्तहिक कैसे हो सकते हैं, तो इस ख्याल की तरदीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कोई यही नेकी वे कमाल नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला की जात व सिफत पर ईमान रखे और इसी तरह आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, तमाम आसमानी किताबों और नबियों पर यकीन रखे और माल की मोहब्बत और अपनी हाजत के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मिसकीनों, मुसाफिरों, सवाल करने वालों और गुलामों को आज़ाद कराने में माल दे और नमाज की पाबंदी करे और जकात भी अदा करे और इन अकीदों पर आमाल के साथ उनके अखलाक उनके ये अखलाक भी हो कि जब वे किसी जायज काम का अहद कर ले तो इस अहद को पूरा करे और वे तंग दस्ती में, बीमारी में और लड़ाई के सख्त वक्त में मुस्तकिल मिजाज रहने वाले हो। यही वे लोग हैं जो सच्चे हैं और यही वे लोग हैं जिनकी मुत्तकी जिनको मुत्तकी कहा जा सकता है। अगली आयत का तर्जमा है दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लोगों अल्लाह ताला के उन एहसानात को याद करो जो अल्लाह ताला ने तुम पर किए हैं। जरा सोचो तो सही, अल्लाह ताला के अलावा भी कोई खालिक है जो तुमको आसमान व जमीन से रोजी पहुंचाता हो, उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, फिर अल्लाह ताला को छोड़कर तुम कहाँ चले जा रहे हो। अगली हदीस है दोस्तों जो कुरान शरीफ कुरान करीम से ली गई है, अल्लाह ताला का इरशाद है, वे है आसमानों और जमीन को बगैर नमूने के पैदा करने वाले हैं, उनकी कोई औलाद कहाँ हो सकती है जबकि उनकी कोई बीवी ही नहीं, और अल्लाह ताला ही ने हर चीज को पैदा किए हैं और वही हर चीज को जानते हैं। तो दोस्तों अगली आयत का तर्जुमा अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में समझा रहे बतला रहे कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अच्छा ये बताओ कि जो मनी तुम औरतों के लिए हम में पहुंचाते हो क्या तुम उससे इंसान बनाते हो या हम बनाने वाले हैं। अगला इरशाद है अल्लाह तबारक व तआला का दोस्तों, अच्छा फिर ये तो बताओ कि जमीन में जो बीज तुम डालते हो उसे तुम उगाते हो या हम उनके उगाने वाले हैं। तो दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला हमसे फरमा रहे हैं, समझने की बात है, जो बीज तुम जमीन के अंदर बो कर आते हो, जमीन में डालते हो, उसे तुम उगाते हो या अल्लाह तबारक व तआला उगाते हैं, ये हमारी सोचने की बात है। हम कोई भी बीज जमीन में बो देते हैं और पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, उसकी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है, अच्छा फिर ये तो बताओ कि जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से तुमने बरसाया या हम उनके बरसाने वाले हैं, अगर हम चाहे तो उस पानी को कड़वा कर दे, तुम क्यों शुक्र नहीं करते। अच्छा फिर ये बताओ कि जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके खास दरख्त को और इसी तरह जिन जड़ियों से यह आग पैदा होती है उनको तुमने पैदा किया या हम उसके पैदा करने वाले। तो सोचने की बात है दोस्तों, कौन किसने पैदा किया और कौन पैदा करने वाला है।
یہ سب کام اللہ ہی کرنے والے، تمام نظام اللہ ہی چلانے والے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہیے. قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، پھر انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین موڑ پر آئے گی، دنیا بھی کامیاب ہوئے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوئے گی. تو یہ دوستو، یہ تھی آج کی حدیث، اور ایسی حدیثوں سے جڑا رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. انشاءاللہ آگے بھی بار بار آپ کے سامنے ایسی حدیثیں آتی رہیں گی.